शिमला में अवैध मस्जिद को लेकर आज फिर प्रदर्शन, हिंदू संगठनों ने निकाली रैली, पुरुष और महिलाएं भारी संख्या में रैली में मौजूद। मस्जिद विवाद को लेकर कुल्लू में भी देखने को मिला प्रदर्शन, अवैध मस्जिद को लेकर लोगों में आक्रोश, मस्जिद पर कार्रवाई की मांग। प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारियों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, अवैध मस्जिद के खिलाफ लोगों में खासा नाराजगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लैंडस्लाइड, सड़क पर आया मलबा, रास्ता पूरी तरह हुआ बाधित, सड़क से मलबा हटाने का काम जारी। उधर उत्तराखंड के चंपावत में भी लगातार बारिश के कारण भारी लैंडस्लाइड हुआ, मलबा आने से टनकपुर हाईवे बंद हुआ। हरियाणा के फरीदाबाद में बारिश के बाद अंडरपास में भरा पानी, पानी में कार डूबने से दो लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में लगातार जारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, भारी बारिश से बही चंपावत टनकपुर ऑल वेदर रोड, तस्वीरें सामने आई। देहरादून में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, नेशनल हाईवे समेत 300 सड़कें बंद हुई हैं, पहाड़ी इलाकों में सड़क पर आया मलबा। राजधानी दिल्ली में भी बारिश से बुरा हाल, संगम विहार में बड़ी जलभराव की समस्या, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। प्रयागराज में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, गंगा और यमुना नदी का बढ़ा जलस्तर, अलर्ट मोड पर प्रशासन। कैलिफोर्निया में बाढ़ का कहर, सड़कों पर कई फुट तक जमा हुआ पानी, वाहनों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। मोरक्को में बारिश की वजह से आई बाढ़, पानी के तेज बहाव की वजह से कई घर और पेड़ क्षतिग्रस्त हो गए, खतरनाक वीडियो आए सामने। मैक्सिको में भारी बाढ़ ने मचाई तबाही, जलमग्न होकर सड़कों पर भरा कीचड़, स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। कैलिफोर्निया में बाढ़ का कहर, सड़कों पर कई फुट तक जमा हुआ पानी, वाहनों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। मोरक्को में बारिश की वजह से आई बाढ़, पानी के तेज बहाव की वजह से कई घर पेड़ क्षतिग्रस्त हो गए, खतरनाक वीडियो सामने आया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है, गोलीबारी में 3 आतंकी ढेर हुए हैं, इलाके में कई आतंकियों के छिपे होने की खबर है। आतंकियों ने जिस घर में पनाह ली थी उसकी तस्वीरें भी सामने आई है, रिपब्लिक भारत के साथ आतंकी ठिकाने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पुंछ में सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना ने बरामद किए पेन, प्लास्टिक की गेंद और ईंट की आईईडी, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स के आतंकी सहयोगी से हुई बरामदगी, जांच में जुटी सेना। सेना ने उत्तरी सिक्किम में किया भूकंप का ड्रिल, रोगी को बाहर निकालने और सफलतापूर्वक अस्पताल पहुंचाने का यहां पर अभ्यास किया गया, सेना के साथ एसएसडीएमए एनडीएमए भी भूकंप ड्रिल में मौजूद रहा। डीआरडीओ ने भारतीय लाइट टैंक का किया सफल परीक्षण, टैंक ने टारगेट पर लगाए सटीक निशाने, पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों को मिलेगी मदद। उधर लेह लद्दाख में जंस्कर उत्सव समारोह का आयोजन किया गया, समारोह की भव्य तस्वीरें सामने आई है। प्रधानमंत्री मोदी का आज जम्मू कश्मीर दौरा, डोडा में करेंगे चुनावी जनसभा, बदलाव का देंगे संदेश, विकास का करेंगे वायदा। आज हरियाणा के दौरे पर भी रहेंगे पीएम मोदी, कुरुक्षेत्र की धरती से करेंगे चुनावी शंखनाद, विपक्ष पर करेंगे ताबड़तोड़ जुबानी प्रहार। जिनेवा में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी पर तंज कसा, कहा कि जीवन में सब कुछ खटाखट नहीं होता बल्कि लक्ष्य हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हरीश खुराना का केजरीवाल पर बड़ा हमला, कहा भ्रष्टाचार का जश्न मना रही आम आदमी पार्टी। मंगेश यादव पर दिए बयान को लेकर ओपी राजभर का अखिलेश पर पलटवार, कहा मंगेश यादव किस घटना में शामिल था, इसका जवाब क्यों नहीं देते अखिलेश यादव। हमारा एक सवाल बार बार मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या मंगेश यादव सुल्तानपुर के घटना में इन्वॉल्व था कि नहीं था, इसका उत्तर वो क्यों नहीं देते। मंगेश यादव एनकाउंटर मामले पर सपा नेता सुनील यादव का बयान, कहा मंगेश के परिवार को नहीं मिल रहा न्याय, मंगेश यादव की हत्या की गई है।
पंजाब में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस ने जालंधर में आम आदमी पार्टी के खिलाफ किया प्रदर्शन। उधर पंजाब की लुधियाना में बस स्टैंड पे हंगामा हुआ। पंजाब सरकारी बस कर्मचारियों ने विरोध में निकाली रैली। दिल्ली में कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में सीएम केजरीवाल ने किए दर्शन। मौके पर सुनीता केजरीवाल और कई आम आदमी पार्टी के नेता रहे मौजूद। कल ही जेल से बाहर आए थे केजरीवाल। मणिपुर में आज कर्फ्यू में दी गई ढील। 3 जिलों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ढील दी गई है। जरूरी काम को पूरा करने के लिए राहत दी गई। योगी सरकार का बड़ा फैसला, 17 सितंबर को मीट मांस की दुकानों के साथ ही सभी स्लॉटर हाउस को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी के सीतापुर में भेड़िए ने बकरी को बनाया निशाना। खबर सामने आने के बाद गांव वालों में दहशत का माहौल। लोगों ने रात को घरों से बाहर निकलना बंद किया। बाद में स्कूल टाइमिंग प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन संघ ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। स्कूल समय में चालू कोचिंग सेंटरों को बंद करने की गुहार लगाई है। बागपत में खुली शिक्षा विभाग की पोल। स्कूल के छत से टपकता है पानी, छाता लगाकर पढ़ते हैं बच्चे, वीडियो वायरल हुआ। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, तोड़ डाले 3 कोच के शीशे। पूरे मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में जूस में यूरिन मिलाने वाली दुकान की तस्वीरें आई सामने। वीडियो में दिख रहा है यूरिन वाली कैन। यूपी के झांसी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। मौके पर तमाशबीन बने रहे लोग, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के अलीगढ़ में बदमाशों ने छात्र का किया अपहरण, मांगी 1 लाख रुपए की फिरौती। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। रिपब्लिक भारत के हाथ लगा लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम कंपनी का सनसनीखेज ऑडियो। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने दिल्ली के एक बिजनेसमैन को 10 करोड़ की एक्सटॉर्शन के लिए कॉल किया था। यूपी के संभल में नशे में धुत शख्स ने होमगार्ड के साथ किया भद्रता। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पुलिस ने आरोपी को के खिलाफ कार्रवाई की। यूपी के सीतापुर में अज्ञात बदमाशों ने गांव में चस्पा किए नोटिस। गांव वालों से की 3 लाख रुपए की मांग। पुलिस ने बढ़ाई गांव की सुरक्षा। पटना के फुलवारी शरीफ में एम्स के पास अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। यूपी के हरदोई में बाइक सवार टप्पेबाजों ने महिला से की लाखों की लूट। जेवर साफ करने का झांसा देकर महिला से आभूषण लेकर फरार हुए टप्पेबाज। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोलीबारी के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश को पुलिस वालों ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। यूपी के रायबरेली में दबंगों ने महिला से की छेड़छाड़। विरोध करने पर जमकर मचाया उत्पात। महिला के घर में घुसकर पति पर किया जानलेवा हमला। घायल हालत में इलाज जारी। उधर यूपी के उन्नाव में व्यापारी के घर में लाखों की डकैती हुई। हथियारों के दम पर बंधक बनाकर मारपीट की गई। लाखों की चोरी कर नकाबपोश बदमाश फरार हो गए। यूपी के कानपुर में ठेले से सब्जी खरीदने वाले हो जाएं सावधान। गंदे पानी में सब्जी धोते नजर आए सब्जी वाला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में सड़क हादसा हुआ। 2 कारों के बीच हुई टक्कर। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई के घाटकोपर इलाके में हादसा हुआ है। इमारत की एक मंजिल में आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के सीतापुर में तेल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका। तेल का बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हुआ। बिहार के सीतामढ़ी में ऑटो और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हुई। हादसे में एक महिला समेत 4 लोग जख्मी हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। यूपी के एटा में एम्बुलेंस बनी पैसेंजर कार। एम्बुलेंस से सवारी को ढोने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। कालिंदी एक्सप्रेस मामले में हिरासत में लिए गए सभी लोगों को छोड़ा गया। पुलिस के हाथ अभी तक ठोस सबूत नहीं लगे हैं। पुर्तगाल फंडाओं में लगी आग ने लिया विकराल रूप। कोविल्हा तक फैली आग। आग फैलने से फंडाओं में हालत बेहद खराब। रूस की तरफ से जारी हमले का वीडियो आया सामने। वीडियो में यूक्रेन की 3 कोयले की खदानें तबाह हो गई हैं। नजर आया धुएं का गुब्बार। इजरायली सेना ने मीडिया के जरिए दिखाई गाजा पट्टी में सुरंगें। आतंकी समूह ने मिस्र से गाजा पट्टी में हथियारों की तस्करी के लिए किया था इस्तेमाल। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का बयान। कहा यूक्रेन को रूस के खिलाफ जीतना चाहिए युद्ध। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में कमला हैरिस ने जनसभा को किया संबोधित। संबोधन के दौरान हैरिस ने कहा नेतृत्व के लिए एक नई पीढ़ी तैयार है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर ने यूक्रेन युद्ध पर बाइडेन के साथ की चर्चा। स्टार्मर ने की पश्चिमी देशों के लंबी दूरी वाले हथियारों पर प्रतिबंध हटाने की मांग।
उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव गर सर्गेई शेवगु से मुलाकात की है। कई समझौते पर बनी बात, आपसी संबंधों में विस्तार पर जोर। किम जोंग ने रूसी एनएसए से की मुलाकात। किम जोंग ने डीपीआर के व्यापक साझेदारी समझौते की भावना में